हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन सेवा में। और फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगा कि पेटीएम का एटीएम ऐप्स जो है उसके थ्रू से आपको फास्टैग को वेरीफाई कैसे करना है और नए यूजर को कैसे एक्टिवेट करवाना है। तो पेटीएम का एटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको नीचे की ओर एक सेक्शन ऑप्शन मिला है इशू न्यू फास्टैग। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, जो पेटीएम का मोबाइल नंबर है वही डालना है आपको। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट जो लेके रखा हूँ, मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ कि किस तरह के माध्यम से आपको ये जो है ओपन करना है। तो देखिए फ्रेंड, स्क्रीनशॉट लेके मैं रखा हूँ। देखिए पेटीएम का जब यहाँ पे नंबर आप डाल लोगे तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आ जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जनरेट होगी। आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद फ्रेंड्स आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक ऑप्शन आएगा, वेरीफाई व्हीकल डिटेल्स। यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर डालना है। गाड़ी का नंबर डालते ही उसके बाद वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक करना है। वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आया है, कस्टमर का नाम डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है कस्टमर का, और टैग नंबर जो है फास्ट टैग का जो है उसके पीछे तरफ नंबर दिया हुआ है उसको आपको डालना है लास्ट डिजिट, और यहाँ पे नॉन क्रिस्म यहाँ पे क्लिक करना है इसमें। और क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आरसी का आपको फ्रंट बैक और यहाँ पे आरसी का फ्रंट देना है, उसके बाद बैक देना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हीकल फ़ोटो जो यहाँ पे मांग रहा है अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो फास्टैग का फोटो खींच के यहाँ पे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद जैसे ही कस्टमर स्कैन करेगा और पे करेगा, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे वो एक सक्सेस और ओके का मैसेज आपको पॉपअप दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप फास्टैग को एक्टिवेट कर सकते हैं, और बहुत इजी है फास्टैग को एक्टिवेट करने का प्रोसेस। और अगर दिक्कत हो कमेंट करें मुझे, मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना के आपको डालूंगा। और फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, लेकिन अगर ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, और मैं एक बार यार फिर से मैं आपको इशू बता देता हूँ। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे उसके बाद आपको फ्रेंड्स आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई व्हीकल डिटेल्स पे आपको गाड़ी के नंबर डालना है। गाड़ी का नंबर डालने के बाद वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक करना है। वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड आपको यहाँ पे व्हीकल डिटेल्स में आपको नेम डालना है कस्टमर का, ईमेल आईडी डालनी है, फिर टैग नंबर होता है फास्ट टैग का जो उसके पीछे जो है नंबर दिया हुआ रहता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे नॉन क्रिमी जो है व्हीकल टैग में आपको नॉन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी को यूज करना है, ये अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा है उसको आपको डालना है। डालने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट का आना है। नेक्स्ट आने के बाद देखिए यहाँ पे जो आरसी का फ्रंट देना है और आपको बैक देना है, और फास्ट टैग को फिर यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगी फ्रेंड। जनरेट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक तभी कीजिएगा जब आपकी स्किन करने के बाद अमाउंट पे कर दिया जाए, तभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक सक्सेस का ऑप्शन आप मतलब नेक्स्ट करने के बाद दिखाई देगा, आपको सिर्फ सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये छोटी सी वीडियो था फास्टैग की, आप कैसे एक्टिवेट करोगे, और मैं इस पर एक अच्छी वीडियो आप बना के डालूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।